नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। थाना गढ़शंकर ने एक महिला को 25 ग्राम हेरोइन और 25,500 रुपए ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कर्नल सिंह SHO गढ़शंकर ने जानकारी देते हुए कहा कि सरताज सिंह चाहल IPS SSP होशियारपुर और दलजीत सिंह DSP सब डिवीजन गढ़शंकर के निर्देशन में रमनदीप कौर ने केस नंबर 183 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थाना हरोली जिला ऊना जांच अधिकारी SI प्रकाश चंद के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली थाना में दोषी गुलजारा की तलाश के लिए उसके घर दोनोवाल खुर्द थाना गढ़शंकर में छापा मारा तो आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखा तो वह मोम का लिफाफा लेकर अपने घर से भाग गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 25 ग्राम हेरोइन और 25,500 रुपए ड्रग मनी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह यह हेरोइन कमलजीत कौर पत्नी तारी निवासी दोनोवाल खुर्द से खरीदती है और फिर स्थानीय नशा करने वालों को इसकी आपूर्ति करती है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जा रहा है। गढ़शंकर से पंजाब टीवी प्राइम के लिए बिट्टू चौहान की रिपोर्ट। कल उस समय सानू नशियां के खिलाफ जी वी मुहिम तहत साढ़े SSP साहब ने जो दिशा निर्देश दिए बड़ी वही कामयाबी मिली। जो साढ़े लेडी सब इंस्पैक्टर रमनदीप कौर ने हिमाचल तो जी पुलिस पार्टी आई हुई सी जेडे अपने मुकदमा नंबर 183 अधीन धारा 21-29-61-85 NDPS एक्ट थाना हरोली की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उन्होंने नाल जी उन्होंने मुकदमे के उन्होंने बांटी दोषण सी शिंदो वाइफ ऑफ गुलजार वो रेड किया। तो रेड करते उदो जो 25 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है और 25,500 रुपये जो ड्रग मनी मौके पर बरामद हुई। जो बरामद होने असी मुकदमा नंबर 145 अधीन धारा 21-88 NDPS एक्ट थाना गढ़शंकर विखे दर्ज किया। तो मुकदमा दर्ज करके एक तफ्तीश चल रही है कि यह जरा हैरोइन कितों लैके आई थी अगे किस किस्म बेचती हैगी है तो ये जे पिछोकड़ की हैगा पहला खिलाफ किन्ने मुकदमे दर्ज है तो ये फेयर कोर्ट बारे जी कोशिश कर रही है।